आज बच्चों ने बोला केक बना दीजिए, तो इसलिए आज हम बना ले हैं मार्बल इडली केक। इसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में भी स्वादिष्ट है, बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आई किचन में स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये हमने एक बाउल लिए हैं, उसी में हम डालेंगे 1 कप तेल। जिस कप से हमने तेल डाला उसी कप से हम डालेंगे 1 कप दही, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तेल के बदले में आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप चीनी। चीनी को हमने पीस लिए थे, ग्राइंड कर लिए थे। 1 कप दही है तो 1 कप चीनी ऐड कर लीजिए, इसे हमारे मीठा बराबर होता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटे चम्मच नमक, 1 छोटे चम्मच बेकिंग सोडा और 2 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा थोड़ा ही डालनी है तो बेकिंग पाउडर थोड़ी ज़्यादा डालनी है। बेकिंग सोडा अगर ज़्यादा डाल लेंगे तो टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए कम ही डालना है बेकिंग सोडा। अब ऐड करेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से जो केक का टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है, इसलिए हम मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। यह हमारा मिक्स हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मैदा। मैदा हम 2 कप ले रहे हैं, सेम उसी कप से ही सारे नाप हम ले रहे हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि इसके अंदर कोई लम्स या गांठ ना बने रहे। देखिए इस तरह से अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। ये हमारा मिक्स हो गया। अब इसमें ऐड कर लेंगे दूध। दूध को हमने गर्म करके ठंडा कर लिए थे, आप चाहे तो कच्चा दूध भी ले सकते हैं, ये ज़्यादा गाढ़ी हो गई तो इसीलिए हम इसमें दूध थोड़ी ऐड कर रहे हैं। दूध के बदले में आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी भी आप इसमें डाल सकते हैं। दूध डालने से थोड़े टेस्ट हमारे बहुत अच्छी आती है, इसीलिए हम इसमें दूध ऐड किए। अब इसमें ऐड कर लेंगे वनीला एसेंस। नाप के हिसाब से अगर लें तो 1 चम्मच वनीला एसेंस आप डाल दीजिए इसमें। हमने अंदाज से इसी तरह से डाल दिए। ये भी हमारा मिक्स हो गया है। अब एक बाउल लेंगे दूसरे इस तरह के, और एक बाउल ले लिए, इसको आधा आधा कर लेने हैं। देखिए इसको आधा आधा कर लिया, आधा हमने बचा लिया, आधा इसमें डाल दिए। अब इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर हमने 3 चम्मच ले रहे हैं, आप अपने हिसाब से कोको पाउडर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें थोड़ी सी और दूध ऐड करते हुए इसे मिक्स करेंगे। थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी नहीं, या ज़्यादा पतला भी नहीं करनी है, मीडियम रखनी है। ये हमारे दोनों बन के तैयार हो गया है। अब इन दोनों को साइड करके रख लेंगे और एक इडली स्टैंड लेंगे। ये देखिए हमने इडली स्टैंड ले लिया इस तरह के, आप कोई भी स्टैंड या बर्तन कुछ भी ले सकते हैं, चाहे छोटे छोटे कटोरी कुछ भी ले ले सकते हैं। और उसी में ऑयल ग्रीस कर लीजिए ताकि ऑयल ग्रीस कर लेने से जो हमारे इडली होता है या केक होता है वो आसान से निकल जाता है, इसीलिए हम ऑयल ग्रीस कर रहे हैं, ऑयल या घी जो आपको अच्छा लगे। अब इसमें डाल दीजिए जो प्लेन वाला है उसको पहले डाल दीजिए। अब उसके बाद जो हमने कोको पाउडर ऐड किए थे उसे डाल दीजिए। उसके बाद फिर डाल दीजिए जो प्लेन वाला, उसको डाल लीजिए।
फिर डाल लीजिए चॉकलेट वाला, फिर उसके बाद डाल दीजिए प्लेन वाला। आप अपने पसंद के दो तीन परत आप जैसे भी डालना चाहते हैं उसी हिसाब से डाल सकते हैं। अब ये हमने लिए टूथपिक इस तरह कि इसके जो पीछे साइड से इसे हम तैयार करेंगे डिजाइन। ये देखिए इसे बाहर से अंदर तरफ खींच के लेनी है और इसे हाथ से पोंछ लीजिए या टॉवल से, जिसमें भी आपको इजी लगे उसी से आप पोंछ सकते हैं हाथ को। और इसी तरह से ये देखिए कितना अच्छा हमारे फ्लावर बन के तैयार हो रहा है। ये देखिए इस तरह से बाहर साइड से अंदर ले लेंगे तो इसका डिजाइन फ्लावर की तरफ आता है। इसका भी अलग अलग डिजाइन होता है, दोबारा हम दूसरे वीडियो में और डालेंगे हम। और ये देखिए इसी में फिर हम डालेंगे पहले चॉकलेट वाला। आप इसी तरह से भी डाल सकते हैं, पहले प्लेन या चॉकलेट जो आपको अच्छा लगे आप उसी तरह से आप इसे बना सकते हैं। चॉकलेट के बाद हमने डाला प्लेन, प्लेन के बाद फिर हम डालेंगे चॉकलेट, यानी जो कोको पाउडर हमने बोल के रखा है वो वाला, फिर उसके बाद प्लेन वाला। ये फिर इसके ऊपर चॉकलेट वाला। फिर दोबारा हम टूथपिक लेंगे, फिर इसी तरह से हम डिजाइन तैयार कर लेंगे। देखिए इसका अलग है, कलर अलग लग रहा है थोड़ी। और इसी तरह ये हमने सभी को तैयार कर लिए। अब इसे नट को टाइट कर लेंगे। अब इसे गैस पे चढ़ाएंगे। ये हमने एक बर्तन लिए, बड़े से बर्तन, जो भी आप बर्तन ले मोटे से लीजिए मोटा वाला, और इसे गरम कर लीजिए। अब इसके ऊपर डाल लेंगे जो हमारा इडली स्टैंड, और इसे कवर कर लीजिए 30 से 40 मिनट तक। 30-40 मिनट बाद ये देखिए हमारे केक अच्छे से बन के तैयार हुआ है। अब एक टूथपिक लीजिए, इसमें चेक कर लीजिए इसी तरह से। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं लग रहा है तो हमारे केक बन के तैयार है। अगर चिपक रहा है तो उसे और 5-10 मिनट गर्म करने के लिए छोड़ दीजिएगा ढक के, फिर उसे निकालने हैं। ये बहुत ही गर्म है, ये हमने गर्म गर्म निकाल रहे हैं। आप थोड़ी सी इसे ठंडा होने दीजिए, इस तरह से स्पून के जो पीछे साइड होता है उसी से, या चाकू से, आप किसी से जिसे आपको आसान लगे उसी से निकाल लीजिए। और ये हमने देखिए कि एक निकाल के दिखा रहे हैं, देखिए कितना सुंदर हमारे मार्बल इडली केक बन के तैयार है। इसी तरह हमने सभी को निकाल लिए हैं, और भी हमने साइड में रखा है, ये इतना ही हमने प्लेट में रखा है। एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा ज़रूर। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।